सोलन में ईद उल फितर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान सोलन स्थित जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की और देश व प्रदेश में शांति व अमन की दुआ मांगी। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं बच्चों ने बड़ों से ईद ली। This news is sponsored by Sri Chaitanya, India's best coaching for IIT, JEE and NEET preparations. Branch in Chandigarh and Panchkula. जी, आज ईद का त्यौहार मनाया गया, किस तरह मनाया गया? और आज हमारे यहाँ ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया, पूरे देश में मनाया गया। और ये हमारे देश की संस्कृति रही है कि देश के अंदर जितने भी समाज के लोग हैं वो सारे देश में जितने भी बड़े बड़े त्यौहार होते हैं उनको मिलकर ही मनाते हैं। हमारी इस मस्जिद में मेरे पिताजी हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब ने 45 साल से ज़्यादा इमामत के फ़राइज अंजाम दिए, खिदमत की यहाँ पर, और एक यहाँ का शहर का जो समाज है सारा समाज उसको जोड़ कर रखा। लेकिन बहुत दुख के साथ मैं ये बात आपको पता भी है बताना चाहता हूँ कि 6 सितंबर 2023 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया और वो अचानक चले गए हमें छोड़कर। तो इस वजह से और टाइम पे हम ईद की, जब हमारे यहाँ ईद मनाई जाती थी तो हम उसके अंदर जो है वो बाहर लाइटिंग भी करते थे, एक गेट भी बनवाते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और इसके अलावा ईद एक्चुअली क्या है कि ये खुशी का त्यौहार है। ईद कहते हैं खुशी को। अब खुशी किस तरह की कि समाज का जो भी वर्ग है बियॉन्ड द रिलीजन, जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी समाज हैं बियॉन्ड द रिलीजन, जितने भी लोग हैं उन तमाम में जितने गरीब हैं, ऑर्फन हैं, विडोज हैं, हैंडीकैप हैं, डीफ एंड डफ हैं, जितने भी हैं उन सारों का ख्याल रखा जाए। उसके लिए हमारा इस्लाम कहता है, कुरान कहता है कि आप सदकातुल फितर दो। तो इस बार हमने लोगों को बताया कि एक आदमी का 51 रुपये सदकातुल फितर है, वो यहाँ आने से पहले पहले उसको अदा करे ताकि जो गरीब हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में रहते हैं वो भी, किसी को स्कूल की फ़ीस जमा करानी है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, उनके घर में भी ईद बन जाए, और जो किसी को दवाई लानी है, जो भी है वो काम उसमें से हो। और वो लोगों ने किया और ये कॉल हम हमेशा करते हैं। हमेशा हम अपने शहर की तरक्की के लिए, अपने शहर के आपसी भाईचारे के लिए दुआ करते हैं। हमेशा हम प्रदेश की तरक्की के लिए, प्रदेश के भाईचारे के लिए दुआ करते हैं। देश की तरक्की के लिए, देश के भाईचारे को बनाए रखने के लिए, सरहदों की मजबूती के लिए, दुश्मन कोई हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे शहर को, हमारे एक एक नागरिक को कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसके लिए यहाँ पर हम दुआएँ करते हैं। लोगों ने इसकी जो क्वांटिटी है वो, तो क्योंकि हमारी शहर की ये मस्जिद है और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मस्जिद है, तो यहाँ पर शिमला में मस्जिद है, फिर धर्मपुर में मस्जिद है, फिर हरिपुर में मस्जिद है, फिर राजगढ़ के मस्जिद है, उसके बीच में जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे यहीं पर नमाज़ पढ़ते हैं। और जो हमारा ये सराउंडिंग एरिया है, छतें हैं, जितनी भी जगहें हैं वो सारी हमारी फुल थी। क्वांटिटी में कुछ एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि झूठ भी हो सकती है, पर वो 1000 में ही थी। सर, लोगों को क्या संदेशा देंगे?
लोगों को हम यही संदेश देंगे कि जितना भी जो भी आपसी भाईचारा है, देखो मज़हब से हटकर आगे की बात करें, मज़हब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमें चाहिए कि हम इंसानियत की कदर करें। हर इंसान जो भी हमारा भूखा है, दवाई उसको चाहिए, कोई भी हमारा पड़ोसी किसी भी मज़हब का है, कैसा भी है, हम उसकी मदद करें और इंसानियत को हम अपने अंदर जगाएं। इंसानियत हमारे अंदर थी तभी हमारा देश आज़ाद हुआ और हम सब ने मिलकर के देश को आज़ाद करवाया। इसलिए हमारे देश की संस्कृति है कि यहाँ पर इंसानियत बनी रहती है और मैं यही सबको संदेश दूंगा कि इंसानियत को बरकरार रखें। हमारे शहर सोलन के अंदर बहुत अच्छा भाईचारा है। बहुत धन्यवाद है सोलन के वासियों का, सोलन के एडमिनिस्ट्रेशन का और आप तमाम पत्रकार बंधुओं का। आप आए और आपने हमें ये सारी की सारी चीज़ें हमारी आपने ली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।